मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे, अब आपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ, पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। वो जैसा कि आपको पता है कि एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करना है नेशनली एंड इंटरनेशनली। इस सिलसिले में हम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट लोगों से आपको मिलवाते रहते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ अपने शोबे में बहुत ज़्यादा आला खिदमत सर अंजाम दी होती, बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए एक नाम कमाया होता है। आज मेरी 120 एपिसोड होने जा रही है, और हमेशा की तरह हमारी जो भी सेलिब्रिटी होती है, जो भी स्टार होते हैं, वो आप लोगों के हर दिन अजीज़ होते हैं, क्योंकि आप लोगों की फ़ीडबैक से ही हमारा एक अच्छा प्रोग्राम होता है, और आप लोगों की फ़ीडबैक जब आती है तो हम और अच्छा काम करने की सोचते हैं और उसके ऊपर वर्क करते हैं। एक ऐसे ही तख्लीकी इंसान मेरे पास मौजूद हैं आज, जिन्होंने अपने वालिद की लेगेसी को लेके आगे चले और पाकिस्तान में एक ऐसा नाम और एक ऐसा ट्रेंड दिया है जो आज तक बाकी है, और आज तीसरी जनरेशन तक वो ट्रेंड अभी जा चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के उस अजीम इंसान, मैं वर्ड कहूँगा, क्योंकि जब कोई ऐसी क्रिएटिव काम करता है ना, शायद वो मुल्क पाकिस्तान से बाहर अगर कोई ऐसी शख्सियत होती तो शायद उनको अब तक बहुत सारे अवार्ड्स मिल गए होते, लेकिन पाकिस्तान में भी रह के मैं समझता हूँ उनको ऑस्कर की ज़रूरत नहीं है, जितना बड़ा उनका काम है। मैं बात कर रहा हूँ मियाँ अमजद फरजंद साहब की, जो कि चेयरमैन है लकी अरानी सर्कस के, और फिल्म इंडस्ट्री से उनका क्या तल्लक रहा है या क्या तल्लक है वो आप सब जानते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और बहुत सारी मूवीज़ उनके क्रेडिट्स में हैं, बहुत सारे स्टार्स को स्टार्स मेकर बल्कि कहा जा सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों से बढ़ के मियाँ साहब का जो एक तारुफ़ मैंने जो भी कराया है लकी रानी सर्कस के हवाले से, ये बहुत बड़ा तारुफ़ है, बहुत बड़ा काम है, जो कि 53 ईयर्स से वो सर अंजाम दे रहे हैं, और उनके वालिद साहब की लेगेसी को लेके वो आगे चल रहे हैं। मियाँ साहब के इस तमाम ख्वाबों के इस सफ़र में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये ख्वाब क्या था जिस ख्वाब को लेके मियाँ साहब चले, मियाँ साहब के बाद आ गए, मियाँ साहब का बेटा लेके चल रहा है, और आज ये सफ़र आज भी जारी और सारी है। तो मैं खुश आमदेद कहूँगा मियाँ अमजद साहब को ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में। जी वेलकम टू माय शो मियाँ साहब, और मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है 120 एपिसोड होने जा रही है, ख्वाबों से तबीयत का ये सफ़र है, और आज मेरे मेहमान हैं मियाँ साहब। आप लोगों को पाकिस्तान की सर्कस के पॉइनर्स में से, फाउंडर्स में से समझा जाता है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, जैसे मैंने पहले कहा है। मियाँ साहब ये क्या ख्वाब था, पहले सबसे पहले तो ये मुझे बताइएगा, ये आपके वालिद ने क्या ख्वाब देखा था जिसकी तबीर के लिए आपने मेहनत की, और आगे थी थर्ड जनरेशन, आपका बेटा भी उसी मंजिल की तरफ रवा दवा है, जबकि दुनिया का ट्रेंड चेंज हो चुका है सब कुछ, तो आप अपने बेटे को इस फील्ड में क्यों लेकर आ रहे हैं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताइएगा, ताकि आज की जनरेशन जो है उसको ये पता चले कि ये जो सर्कस है, जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी मकबूल होते हैं ये इस तरह की चीज़ें, ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ऐसा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने स्पेशली टाइम निकाला, और इतना जो मैं समझता हूँ कि लोगों को जितना पसंद एक इंटरटेनमेंट का अदारा है उसको आप कवरेज करने के लिए आए हैं। तो जैसा आपने कहा है कि मेरे वालिद साहब मरहूम मियाँ फरजंद अली ने 1970 में ये सर्कस जो था वो इस्टेब्लिश किया, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो मोर देन 53 ईयर्स जो हैं वो अभी हमारे इस सर्कस को बने हुए हो गए हैं। मियाँ साहब जो थे हमारी फैमिली, बल्कि बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि रिलीजियस, और बहुत ज़्यादा एक वो जिनमें घरों में वो ज़्यादा इस्लामिक जो तालीमात पे ज़्यादा वो रोशनी दी जाती थी। तो मेरे जो दादा मरहूम थे उन्होंने, जब मेरे वालिद साहब ने बल्कि ये स्टेप लिया तो दादा साहब ने उन्हें बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि आप ये किस वो काम में आ गए हैं, तो ये तो टोटल शोबेज़ हैं।
लेकिन मियाँ साहब का एक अपना वो शौक था, उन्होंने 1960 में एक फिल्म भी बनाई थी वारिशाह के नाम से, शायद आपने उसका नाम सुना हो। तो वो शुरू से उनकी बड़ी वो अफिलिएशन थी इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री के साथ। तो जब 1970 में ये सर्कस जब मियाँ साहब ने इस्टेब्लिश किया तो उस वक्त इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं होती थी, और स्पेशली लाइव इंटरटेनमेंट में, और आपको पता है उस वक्त इतने ज़्यादा मौके भी नहीं थे, कोई इंटरटेनमेंट मुल्क में इतनी ज़्यादा ऐसा सच होती नहीं थी। तो उस वक्त फिर ये सर्कस जब इस्टेब्लिश हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया, और इसी वजह से हम जो है लास्ट 53 ईयर्स से इसी फील्ड में हम सर्वाइव भी कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह डे बाई डे इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है उसको हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि इसमें मेरे वाले साहब पाइनियर थे, उसके बाद मैं एज ए सेकेंड जनरेशन इस फील्ड में आया और हमने उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की, और इसी तरह क्योंकि हमारी ये देखें जी ये एक लेगेसी भी है और एक हमारी एक पहचान जो है वो बन चुकी है। आप देखें कि दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं, लेकिन इंटरटेनमेंट बिजनेस में जो मकाम और जो नाम अल्हम्दुलिल्लाह लकी रानी सर्कस ने बनाया है लास्ट 53 ईयर्स में, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी लेगेसी है। तो इस लेगेसी को लेके चलने के लिए अभी मेरा जो बेटा है मियाँ सैफ साहब वो भी अभी इसी फील्ड में इसलिए आया है क्योंकि ये हमारी, और हमें इस पर फ़ख्र है कि हम लोगों को, उन लोगों को जिनके पास जो है कि इतनी चीप इंटरटेनमेंट जो है, इतनी अगर आप देखा जाए कि वो अगर प्राइस वाइज अगर आप उसको देखते हैं तो इतनी लो कॉस्ट जो है वो इंटरटेनमेंट पाकिस्तान में कोई भी अदारा प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो मैं तो बल्कि कई दफ़ा ये कहता होता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी चाहे तो उन रिमोट एरियाज़ में जाके लोगों को इंटरटेन नहीं कर सकती, जिन रिमोट एरियाज़ में हम जाते हैं उन लोगों को इंटरटेन करते हैं, जहाँ ऐसा किसी तरह की कोई भी रिक्रिएशन नहीं है, ना वहाँ कोई पार्क्स हैं, ना वहाँ कोई सिनेमाज हैं, ना वहाँ कोई अच्छे रेस्टोरेंट हैं या कोई और इतने ज़्यादा को मौके हैं लोगों के पास कि वो अपने बच्चों या फैमिलीज़ को वो इंटरटेन करें। तो इस तरह हमारे साला साल जो है पाकिस्तान की जो पब्लिक है मुख्तलिफ शहरों में वो हमारा इंतज़ार करती है, वो हमें फिर इंटीमेट करती है, हमें रिक्वेस्ट करती है थ्रू ईमेल्स, थ्रू आप समझ लें लेटर्स, थ्रू टेलीफोन कॉल्स, थ्रू व्हाट्सएप और इसी तरह थ्रू सोशल मीडिया जो भी उसके जितने भी और ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हम लोग हमें बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट भी करते हैं और लाइक भी करते हैं, इसी वजह से हम अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में जो है वो चल रहे हैं। मियाँ साहब ये तो बात कहना बहुत आसान है, लेकिन गालिब कहते हैं ना ये इश्क नहीं आसान गालिब, तो ये सारा कुछ इतनी ईजी जॉब नहीं है। 53 साल एक इंसान बूढ़ा बुढ़ापे की तरफ चला जाता है और फिर इतनी बड़ी फील्ड फोर्स, तो हाउ यू मैनेज ये सब, किस तरह से आप इस चीज़ों को मैनेज करते हैं फिर, यानी कि मींस एक जगह पर आपकी सर्कस हो रही होती है, दूसरे दिन किसी और जगह पर आपको मूवी होना होता है, तो ये आसान नहीं है सब कुछ, थोड़ा सा बताइए। आप देखें जी हमारे पास तकरीबन अभी 2 यूनिट्स हैं, यूनिट मींस के 2 रनिंग में हमारे 2 यूनिट्स होते हैं, शिफ्ट्स कह सकते हैं जी। तो वो जो 2 हमारे यूनिट हैं उसमें एट ए टाइम जो 2 जगह पे चल रहे होते हैं, वैसे हमारे जो आप समझ लें कि जो उसका जो सामान जैसे हम कहते हैं या जो बैगेज जो है वो 4 हमारे पास उसके यूनिट हैं, तो एट ए टाइम हमारे जो 2 यूनिट जो हैं वो चल रहे होते हैं और 2 जो यूनिट हैं वो नेक्स्ट जगह पे जाके उसको इंस्टॉल हो रहे होते हैं। इसलिए आप देखें कि हमारे मोर देन 400 की मैन पावर है एक यूनिट में, तो दोनों यूनिट को अगर आप देखते हैं तो मोर देन 800 जो है वो मैन पावर है हमारे पास, और दोनों यूनिट्स के जो हैं 80 ट्रक्स जो हैं हमारे वो जो सामान वो बनता है। तो आप ये देखें कि रात को अगर हम 12 बजे जिस तरह आप बता रहे थे कि आप यहाँ मीनारे अपना ये गुलशन पार्क में आप गए थे फैमिली के साथ आपने शो देखा, तो यहाँ अगर रात 12:30 बजे शो ख़त्म होता है तो दूसरे दिन दोपहर 12:30 बजे हमने साहिवाल में शो करना है, तो हम इजीली जाके आप देखेंगे 40 ट्रक को आपने पहले उसको डिसमेंटल करना है, फिर उसको जनाब पैक करना है, फिर उसको आपने लोड करना है, फिर उसको आपने ट्रांसपोर्ट करना है, फिर जाके आपने उसको रीइंस्टॉल करना है। तो इट्स अ वेरी हेक्टिक एंड समझने की बड़ा मेहनत तलब काम है, लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बंदे बड़े यूज टू हैं, टीम हमारी बड़ी अच्छी है और 53 ईयर्स से वो इसी फील्ड में हैं, अभी वो माशाल्लाह अपने अपनी जगह पे सारे वो मास्टर हैं अपने अपने काम के, तो हमें ऐसा जितनी वो प्रॉब्लम नहीं रहती है कि हमने क्या हमारे के प्रॉब्लम्स आएंगी या क्या हमें आती हैं, आती भी हैं ऑब्वियस
जब कोई लाइव काम हो या और जो स्पेशली मोबाइल काम हो, और आपने देखा है कि यहाँ जो पाकिस्तान में जो स्टैटिक बिजनेसेस हैं उनके जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। तो हमारा तो वैसे ही मोबाइल एक यूनिट है, 400 बंदे का छोटा सा गांव जो है वो मोबाइल आपने एक शहर से दूसरी जगह शहर पर लेके जाना है। और आप ये देखें शाहिद साहब के हम जिस जगह जाते हैं तो आप अगर उस सर्कस के अंदर आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप साहिवाल में हैं, आप पेशावर में हैं, आप लाहौर में हैं कि आप कराची में हैं। एटमॉस्फियर एक सेम आपको लगेगा। अगर ये ग्लास यहाँ पड़ा है तो ग्लास वहीं पड़ा आपको मिलेगा। आपको हर जब आप एंटर एक दफ़ा होते हैं सर्कस में तो आपको ये आइडिया ही नहीं हो सकता कि आप कौन से शहर में हैं। जब आप सर्कस से बाहर निकलेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा, अच्छा यार आप कहीं कसूर में हैं, लाहौर में हैं या पेशावर में हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ कि ये हमारे लोगों की एक एफर्ट है, और एक इतनी ज़्यादा वो अपने एक्सपर्ट हो गए अपने वो काम के कि हमें वो ऐसा पता ही नहीं चलता। और इसमें आप देखें कि पानी से लेके पानी हमारा हर जगह हम अपना बोर करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारी अपनी, अपने हमारे हैवी जनरेटर्स हैं, सिक्योरिटी हमारी अपनी है, मोर देन पर यूनिट जो है हमारे 40 आर्म गार्ड हैं जिसमें वेपन डिटेक्टर्स होते हैं, जिसमें वॉक थ्रू गेट्स हैं, जो सीसीटीवी कैमराज हैं, फिर वो आयरन वॉल जो है वो 8 फीट हाइट की उसमें हमने प्रॉपर उसको कॉटन ऑफ कर देते हैं ताकि लोग भी महफूज रहें। और हमारे जो स्टाफ है जिसमें फॉरनर्स भी आपको पता होते हैं, इसमें एनिमल्स हैं, इसमें फैमिलीज हैं, इसमें हर तरह की जो फैसिलिटीज़ जो हम आप समझ लें कि ह्यूमनली जो पॉसिबल है फैसिलिटेट उनको कर सकते हैं वो हमने उनको दी हुई है। इसीलिए वो फिर साल साल से थर्ड जनरेशन अभी हमारे पास काम कर रही है। जी अभी मेरा ख्याल है कि मोर देन कोई 27 फैमिलीज हैं हमारे पास जो थर्ड जनरेशन जो है हमारे पास काम कर रही है, जिनके पहले दादा काम करते थे, फिर उनके वालिद ने काम करना शुरू किया, अभी वो खुद काम कर रहे हैं और आगे बच्चों का भी यही प्रोग्राम है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हम एक लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं जो 800 बंदा है, और ये वो ये निगलेक्टेड एक वो हमारी जो क्लास होती है आप देखें कि जो जो सर्कस के वर्कर्स हैं या जो सर्कस के टेक्नीशियंस हैं या जो कि जो जो एक्सपर्टीज़ हैं वो आम सोसाइटी में या आम आपकी फील्ड में वो किसी काम की वो नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो सर्कस में आके वही वो समझते हैं कि वो तो हमारे लिए वो हीरे और जवाहरात वो हमारे लिए बन रहे होते हैं, और हमारे लिए एक समझने कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो बंदे रखते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक और उनकी एक्सपर्टीज़ यही होती हैं कि वो उन्होंने ये अपना काम करना एग्जीक्यूट करना। जी हाँ जी मियाँ साहब, इसके ऊपर मज़ीद बात होगी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि वही लिबाज इश्क नहीं आसान। तो इस वक्त नाज़रीन हम एक स्मार्ट से ब्रेक लेंगे, मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। पता है सिनेमाज के भी जो हालात हैं, अभी 1500 या 2000 रुपये का टिकट कितने बंदे जो है वो अफोर्ड करते हैं, आपके जो मासेज हैं या जो आपके जो जो बेचारे थोड़े से उस क्लास में आते हैं जो अफोर्डेबल नहीं है, तो उनके लिए ये इंटरटेनमेंट तो है ही नहीं है। वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से तबीर तक पावर्ड बाई मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज, और ये सफ़र जारी है और इसमें आज मियाँ अमजद फरजंद साहब मेरे साथ मौजूद है, किसी तारफ़ का मुहताज नहीं। अगर हम लाहौर का जिक्र करें, पंजाब का जिक्र करें, बल्कि मैं ये कहूँगा मियाँ साहब आपका पंजाब वालों पर बड़ा एहसान है, ये मैं समझता हूँ पर्सनली। ये काम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को करना चाहिए था जो एक प्राइवेट सेक्टर में आप लोग कर रहे हैं, और मैं इसका यदि मैं इस तरह से देखता हूँ, इतनी सस्ती इंटरटेनमेंट आप इस महंगाई के दौर में भी जबकि इतनी इन्फ्लेशन हो चुकी है तो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक वही रवायती स्टाइल है आज भी पंजाब का मेला ठेला जो हम लोग बचपन में सुनते थे देखते थे आज भी वही है, वही चीज़ें सारी आपने मेंटेन की हुई है। तो ये इंस्पिरेशन मियाँ सब हर रोज़ एक नई इंस्पिरेशन के साथ किस तरह से ये सब कुछ हो जाता है? ये देखें जी, ये इंस्पिरेशन ही है कि हम वो 53 ईयर से इस फील्ड में हैं, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये ह्यूमनली पॉसिबल चीज़ें नहीं हैं जी, कई चीज़ें इस तरह की हैं। और मुझे तो बड़ा कई दफ़ा कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि अभी आप देखें कि जैसे आपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बात की है, तो ये अगर हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, क्योंकि हम पूरे पाकिस्तान में हम वो अपना जो है ये इंटरटेनमेंट लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, नॉट ओनली पंजाब ओके, लेकिन मोस्टली हम पंजाब में होते हैं क्योंकि आपको पता है पंजाब में एक तो मोर देन 12 कल्चर भी हमारा इस तरह का है, और हमारे पास यहाँ बाइंग लोगों की बाइंग कैपेसिटी भी कुछ बेहतर है कंपेरिजन अगर किया जाए सिंध से या बलूचिस्तान से, वो अभी तक उस हद तक वो शायद वो इतने ज़्यादा वो लोगों के पास इंटरटेनमेंट नहीं है जी। आप सिर्फ अगर लाहौर देख लें
लाहौर इटसेल्फ अगर दो करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, जहाँ आप देखेंगे सीएम से लेके पीएम तक यहाँ बैठा हुआ होता है और हर तरह की यहाँ आपको जो है वो मौके मिलते हैं, फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट आपके लिए यही है कि आप अपनी फैमिली को साथ लेके किसी रात को अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। इसके अलावा लाहौर में कोई क्रिएशन नहीं है। यहाँ बड़ा अभी वो चले जाए वो भी अभी जो सिनेमा है वो, क्योंकि मैं फिल्म से भी रिलेटेड हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से भी, तो हमें पता है सिनेमाज के भी जो हालात हैं अभी 1500 या 2000 रुपये का टिकट कितने बंदे जो है वो अफोर्ड करते हैं। आपके जो मासेज हैं या जो आपके जो बेचारे थोड़े से उस क्लास में आते हैं जो अफोर्डेबल नहीं है, तो उनके लिए ये एंटरटेनमेंट तो है ही नहीं है। और एक वो क्लास है आपके पास कि जो बहुत ज़्यादा हाईली एलीट क्लास है, उनको इस तरह की एंटरटेनमेंट की जरूरत ही नहीं है, वो आते भी नहीं, उनको आते भी नहीं है। उनके घरों में अपने वो सिनेमा सराउंड सिस्टम लगाए हुए हैं उन्होंने, वो अगर बच्चों को बड़ा पसंद है वो कहते हैं चले जी, वो बच्चों को लेके वो दुबई चले जाते हैं आउटिंग के लिए, वो कोई पेरिस डिज्नी में जा रहा है, वो किधर जा रहा है, जो फोर्डिंग क्लास करती है। लेकिन जो आपकी वो मासेज हैं, जो आपकी वो पुअर क्लास है, जो आप कहते हैं जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए उनको जो इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना, मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि एहसान है हमारा पंजाब गवर्नमेंट पे, स्पेशली पंजाब पब्लिक पे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनका हम पे भी एहसान है कि वो लाइक पिछले 53 साल से हमें वो इतना ज़्यादा लाइक करते हैं और इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बर्दाश्त भी कर रहे हैं। सही कह रहे हैं आप कि वो तब उस एंटरटेनमेंट को वो जो है लोग उसे लाइक करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें पसंद करते हैं और आते हैं, जिसका आपने देखा होगा जब आपने शो पे गए होंगे तो ऑलमोस्ट शो फुल होगा वो जी। और इसी तरह लाहौर जैसे शहर में, और ये जहाँ मौके और भी हैं, रिक्रिएशंस और भी हैं, लेकिन बाकी छोटे शहरों में, रिमोट एरियाज़ में जहाँ हम जाते हैं, वो तो कई शहरों के जो आपने नाम नहीं सुने होंगे, तो उन एरियाज़ में जाके लोगों को इंटरटेन करना इट्स नॉट ईजी जॉब। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कई दफ़ा जहाँ भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए थोड़ा सा इसको अप्रिशिएट करें, थोड़ा सा फैसिलिटेट करें। हमने कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ना हमें कोई फंड्स चाहिए, ना हमें कोई उनसे ज़्यादा ये चाहिए कि मॉरल सपोर्ट चाहिए, जी प्रमोशन चाहिए, हमें प्रोजेक्शन चाहिए कि इस हद तक की कि हमें वो जो प्रॉब्लम्स वहाँ फेस करनी पड़ती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज जो प्रॉब्लम है वो उसको किसी तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए। कि किसी शहर में हम जाते हैं, वहाँ के डीसी साहब जो हैं या वहाँ के डीपीओ साहब जो हैं या वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ये चाहिए, उनको इंस्ट्रक्शंस इस तरह की वो पास ऑन हों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ताकि वो हमें लुक आफ्टर कर सके, हमने उनसे क्या लेना है। लेकिन वो हमें रोके भी ना, या तो मैं तो हमेशा कई दफ़ा कहता हूँ, तो अगर ये खुदा ना खास्ता अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, इट मीन्स अगर एक शहर के लिए ठीक नहीं है तो ये पूरे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हाउ इट्स पॉसिबल कि आप कहेंगे यार ये एक चीज़ जो है ये लाहौर के लिए बेहतर है और ये कराची के लिए बेहतर नहीं है, तो ऐसा तो मैं नहीं समझता कि ऐसा हो सकता है। तो अगर आप इसे इसकी स्क्रूटनी कर लें, इसको प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखें, हमारे हाई ऑफ्स ने जितने मैं समझता हूँ जितने हाई ऑफिशल्स हैं, जितने हमारे इवन चीफ मिनिस्टर्स तक जो हैं, वो सब ने हमारी सर्कस देखी हुई है, तो जब वो देखते हैं और इतने ज़्यादा वो हमें वो प्रमोट कर रहे होते हैं उस वक्त, लेकिन जब इन द लॉन्ग रन उनको देखते हैं तो यार के इनको थोड़ा सा आप सपोर्ट करें, इनको थोड़ा प्रोजेक्ट करें, इनको थोड़ा सा आप फैसिलिटेट करें, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज, अदरवाइज हमें किसी तरह की और कोई हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी सारी चीज़ें हैं, हमें कोई ऐसा वो ज़रूरत नहीं है, कोई फंड्स की ज़रूरत नहीं है, कोई वो कर्जा जात की ज़रूरत नहीं है, कोई बैंक की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें इनकी रहनुमाई की ज़रूरत होती है। लेट्स सी, अल्लाह करे कुछ अच्छा है कि इनके ख्याल आ जाए। इनको मैंने दुनिया में देखा है, क्योंकि गवर्नमेंट्स ना इसकी पीजराई के लिए और इनको प्रमोशन करती है। मैंने नॉर्थ अमेरिका में मैंने सर्कस देखी है, ट्रेंटो में, वैंकूवर में देखा, मैंने लंदन के बड़े फेमस है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग बड़े प्राउडली जाते हैं फैमिलीज के साथ टिकट्स लेके, ठीक है, स्टर्लिंग पाउंड्स में या डॉलर्स में। अच्छा, वही चीज़ अगर यहाँ पर जब हमें मिल रही है उसे अच्छी सस्ती, तो एक परसेप्शन ये भी है लोगों में कि यहाँ पर जो पब्लिक आ रही है शायद वो वैसी नहीं है, या आप लोगों ने वो टेस्ट जो डेवलप नहीं किया लोगों में कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी आए, शायद आप लोगों को भी ज़रूरत है उस तरह का टेस्ट डेवलप करने के लिए, लोगों को लाने के लिए। मेरा समझ तो काम करने की ज़रूरत तो आप लोगों को भी है। जी बिल्कुल है। मैं देखे ना जी, मैं वो बात जो पहले आपसे की है कि आप जब देखते हैं कि अगर सपोज 24 करोड़ पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, तो 24 करोड़ पॉपुलेशन को हमने किस तरह कवर करना है,
अच्छा उनमें जो जिन क्लास जिस क्लास की आप बात करें, अभी जैसे हमने लाहौर में लगाया है, इससे पहले मनारी पाकिस्तान में था, तो यहाँ वो क्लास आई है कि जो आज तक जैसे वो कभी सर्कस में आई ही नहीं थी। बिल्कुल अच्छी क्लास है, अच्छी क्लास। अच्छा जी हाँ, लोग आते हैं फैमिलीज के साथ आते हैं। अच्छा वो एक होता है थोड़ा सा लोगों को शायद इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी या उसमें शायद हमारे भी कुछ थोड़े से आप समझने के कोई इतनी ज़्यादा वो एफिशिएंट नहीं रहे हैं कि लोगों को प्रॉपर अवेयर नहीं कर सके। यहाँ हालात मुल्क के इस तरह के थे कि वो आपको पता है पहले कोविड रहा, कोविड से पहले यहाँ वो वैसे ही इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी रही है, स्पेशली वो टेररिज्म रहा है इस मुल्क में, वो स्टिल हमें सामना करना पड़ता है ना जी, प्रॉब्लम इस तरह की प्रॉब्लम इन्फ्लेशन भी है और बाकी काफ़ी और तरह की मसले मसाइल भी इस मुल्क में हैं। मैं इसलिए जो कह रहा हूँ कि जी अगर आप जिन मुल्कों की लैटिन अमेरिका की अगर आप बात कर रहे हैं, तो अभी आप इसी तरह अगर आप यूरोपियन सक्सेस की बात करें, हाँ, तो दुनिया में बेस्ट जो सक्सेस हैं वो अभी जो है रशियन सक्सेस है। CSS जी हाँ, आप देखें कि रशियन जो स्टेट्स हैं उन्होंने उनका तरीकाकार ये है कि वो ऑल सक्सेस ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ रशिया या गवर्नमेंट ऑफ USSR जैसे हम जिससे पहले कहते थे, चलें वो भी बाद में वो सारा कुछ वो स्प्लिट कर गया, वो कंट्रीज एक मुल्क के काफ़ी मुल्क बन गए, लेकिन हर जगह पे जिस तरह हमारे यहाँ अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं, मुल्तान में बना हुआ है, फैसलाबाद में है, इस्लामाबाद में है, पिंडी में है, लाहौर में है या कराची में है, इसी तरह के वहाँ स्टैटिक सर्विसेज बनी हुई हैं और वो ऑन कर रही हैं गवर्नमेंट ऑफ USSR। अच्छा जी, वो फिर क्या करते हैं, वो वहाँ के बच्चे और बच्चियाँ जो हैं उनको वो प्रॉपर थ्रू एडवर्टीजमेंट वो उनको हायर करते हैं, हायर करके उनको पे कर रहे होते हैं, वो किसी बच्चे की $100 है, किसी की $200 वो सैलरी है, साथ उसको हॉस्टल देते हैं, साथ फूड देते हैं, साथ उसको कपड़ा देते हैं, सूट देते हैं पहनने के लिए, फिर उसको प्रॉपर उसको ट्रेन करते हैं। अच्छा जब वो ट्रेंड हो जाता है बच्चा, फिर उसको बाहर भेजते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में। अच्छा वो उनको मुख्तलिफ मुल्कों में भेज के फिर उनसे वो फॉरेन एक्सचेंज बनाते हैं। अच्छा ये इस तरह का उन्होंने साइकिल बनाया है कि पहले उस पर बच्चे पे इन्वेस्ट करते हैं, फिर बाद में उससे वो रिटर्न होता है पूरा दुनिया में ऐसे होता है। पूरी दुनिया में यही तरीकाकार है। हमारे यहाँ आप देखें कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इसीलिए देखें कि बच्चे जो हैं वो आजकल के वो हेल्दी एक्टिविटीज़ में नहीं जा रहे हैं, या वो आप देखेंगे लोग वो बच्चे जो हैं वो एज ए फन वो कई वो स्नैचर्स बने हुए हैं, कई बच्चे वो ड्रग यूजर्स बने हुए हैं, कई बच्चे वो क्राइम कर रहे हैं, मोबाइल स्नैचर्स हैं, या इवन ये भी हैं बच्चे स्पाई वो अपना लैपटॉप रख के या एक वो छोटा सा आप समझने आईफोन रख के बैठे हुए हैं 12-12 घंटे वो फोन पे बैठे हुए हैं, आंखें भी खराब कर रहे हैं और टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कोई नहीं है फिजिकली एक्टिविटी। जी हाँ, फिजिकली आपको याद होगा पहले हमारे यहाँ, अभी मुझे नहीं पता कि अभी हमारे यहाँ पहले जो स्पोर्ट्स थी हमारी हॉकी आप देख लें कहाँ थी, ये हमारी क्रिकेट तो हमारी गेम ही नहीं थी, फुटबॉल हमारा काफ़ी बेहतर था, स्कॉश आप देख लें हमारी कितनी बेहतर थी, अभी इसी तरह हमारी बाकी जो गेम्स जो थी वो हमारी बहुत बेहतर थी। अभी सवाए क्रिकेट के हमारे इस मुल्क में आप मुझे बताएं हॉकी जो 7 दफ़ा हम वर्ल्ड कप हमने जीता, स्क्वाश का जो हमने 9 दफ़ा हम वर्ल्ड चैंपियन रहे, अभी तो हमारा कोई बच्चा या कोई भी जो बची है वो किसी उसको सर खाने में नहीं है ना, उसमें अभी पैसा इन्वॉल्व नहीं, पैसा इन्वॉल्व नहीं इसमें वो पैसा इन्वॉल्व हो गया, इसमें वो काफ़ी तरीके से पैसा आया है, चाहे वो समझ लें कि वो पैसा वाइट था या ब्लैक था, बड़े वो जिस तरह भी आया वो पैसा आया है। बाकी जितनी भी आपकी स्पोर्ट्स थी किसी स्पोर्ट्स में कोई गवर्नमेंट ने ना इंजेक्ट किया है उसको पावर, ना कोई पैसा इंजेक्ट किया, इसकी वजह से हमारी जितनी भी इस तरह की जो बेहतर जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो सारी नापैद होती गई, तो हम भी नापैद ही हो रहे हैं अगर देखा जाए। अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर सकती तो एज ए प्राइवेट सेक्टर में रह के और इन हालात में रह के जहाँ आपको स्नैप किया जाए, सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। ये लास्ट जो 2 ईयर्स कोविड ईयर्स जो थे उसमें हमें पता कि हम किस तरह सर्वाइव किए ड्यूरिंग द कोविड। इतनी बड़ी टीम है आपकी जिस तरह आपने बताया माशाल्लाह, तो फिर ये लोग तो पे पर है ना आप लोगों के पास? जी हमारा एक्चुअली सिस्टम हमारा पे का हमने लिखा हुआ है, उनको डेली वेजेस के साथ रखा हुआ है, हमारे परमानेंट एम्प्लॉई जितने भी हैं, लेकिन हमने उनका जो मॉड्यूल बनाया हुआ है इसका जो सैलरी बेस जो है हम उसको अपनी जो हमारी टेक्निकल लैंग्वेज है उसको हम उसको भत्ता कहते हैं, अलग नेगेटिव लफ्ज है लेकिन हम वो भत्ता कहते हैं, तो भत्ता हम पर डे तो 2 शो के हिसाब से उनको भत्ता पे कर रहे होते हैं। तो कोविड डेज में हमने उनको लमसम उनको जो हम उतनी अफोर्ड तो हम भी नहीं कर पा रहे थे, अकोमोडेट किया जी 800 बंदे को, आपने देखे जी 800 बंदे हैं और तकरीबन कोई 15 से 16 उसमें लायंस हैं, टाइगर्स हैं, उसमें चिंपैंजीज हैं, हॉर्सेज हैं, मिनिएचर हॉर्सेज हैं, फिर इसके अलावा आपको बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर उसका सारा लगेज है, 80 ट्रक्स हैं,
तो उसको आप किस तरह आप उसको चलाएंगे। तो ये तो अल्लाह ने बड़ा करम किया और स्पेशली समझ लें कि लोगों की भी थी, वो लोगों की भी दुआएं हमारे साथ थी, जो 800 टीम है, 800 बंदे के 800 फैमिलीज हैं हमारे साथ, तो वो भी बेचारे हैंड टू माउथ हुए हुए थे। तो अल्लाह ने वो कोविड डेज जो थे बड़ी मुश्किल से हमने उसको और अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको गुजार लिया और 2 साल हमारा काम बंद रहा बिल्कुल, ना किसी को हम किसी से कुछ मांग सकते हैं। हमने तो कभी किसी से नहीं कहा जी हमें बेनजी इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम से आप हमें 12,000 दे दें या 15,000 दे दें। हमने तो खुद एट आर ओन हमने सारे एक्सपेंसेस हमने बेयर किए और सब कुछ जितना हम कर सकते थे हमने किया। नाज़रीन को एक बात बताना चाहूँगा ऑन द रिकॉर्ड, मियाँ साहब के बारे में बड़ा ये मैंने रिसर्च भी किया है, ये CSR के हवाले से मियाँ साहब की कोशिश होती है कि एक कदम बढ़ के आगे आया जाए। ये इन्होंने अपनी जितनी टीम रखी हुई है 800 या 900 लोगों की, ये उनके जो उसमें से रिटायर हो जाते बाकायदा लोग, ये उनकी पेंशन भी देते हैं उनको। ये पाकिस्तान के किसी प्राइवेट फर्म को अगर हम अंदाज़ा करें उसमें से कोई सम वन यानी कि स्पेशल फर्म मैं कहूँगा इस तरह की, यानी कि इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में, क्योंकि ये सब इत्तेफाक करते जो मैं बात करूँ ऐसी है जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। खुदा ना खास्ता अगर कोई वांग एक्सीडेंटल अगर कोई प्रॉब्लम किसी को आती है, क्योंकि लाइव एंटरटेनमेंट है जी, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बच्चा या बच्ची को गिर जाती है या कोई वैसे ही कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो अभी हमारे पास तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कोई 52 के जो करीब जो बंदे हैं जो हमारे पेंशनर्स हैं और उनको पर मंथ के हिसाब से वो जो है वो हम वो सैलरी जो उनको जा रही होती है, इट्स नॉट सेम सैलरी लेकिन वो इनसे बेहतर है जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो पेंशन दे रही है उससे बेहतर हम वो पेंशन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये मैं बिल्कुल इसी तरह लेके चल रहे हैं, मैं इसलिए आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ये अल्लाह का काम है। वो 800 बंदे को अल्लाह चला रहे हैं, हम कहेंगे हम बड़े कॉम्पिटेंट हैं, हम बड़े मेहनती हैं, हम बड़े जफाकश हैं और बड़े जनाब हमसे ज्यादा सियाना ही कोई नहीं है, तो ऐसी ऐसी बात नहीं है। ये अक्ल के साथ अगर चीजें चलती होती तो फिर इंसान कामयाब ना होता जी। नाज़रीन आप देख रहे हैं ख्वाबों से तबीर तक के इस प्रोग्राम में मियां अमजद साहब की बातें आप सुन रहे होंगे, रूहानियत की तरफ भी चलेंगे अभी तो। इस टाइम एक मैं ब्रेक लूंगा, मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। बेनाम इंडस्ट्री है और अभी इसको इंफॉर्मेशन के नीचे ही ले आए हैं, पहले हमारा कल्चर मिनिस्ट्री एक होती थी, अभी इसको वो भी खत्म कर आफ्टर 18 अमेंडमेंट कल्चर, वो कहते हैं कल्चर तो हमारा बड़ा रिच है लेकिन मिनिस्ट्री वगैरह कोई नहीं है। वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से तबीर तक पावर्ड बाय मॉडल स्ट्रीट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, और ये ख्वाबों का तबीर का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं मियाँ अमजद फरजंद साहब के घर में मौजूद हूँ और जो कि चेयरमैन है लकी ईरानी सर्कस के, और अभी मेरे साथ उनके जो के कह सकते साहबजादे मियाँ सैफ अमजद साहब मौजूद हैं, ठीक है, जो कि अभी अपने वालिद साहब के लेगेसी को लेके आगे चल रहे हैं और अभी वो जो इनोवेशन लेकर आ रहे हैं लकी रानी सर्कस के हवाले से हमारी बात हो रही थी मियाँ साहब से भी कि मियाँ साहब आप इसको एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते, तो मियाँ साहब ने कुछ चीज़ें हमें बताई भी हैं कि ऑलरेडी वो उस पर काम कर रहे हैं और इसको किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है कि आने वाली नस्लें इस इंटरटेनमेंट को वाकई प्राउडली फील करें और ना सिर्फ ये एक पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की पहचान तो है ही है लेकिन इंटरनेशनली पहचान भी बने। इस सिलसिले में मियाँ साहब मेरे साथ मौजूद है जी। मियाँ साहब कैसे हैं, वेलकम टू माय शो। मियाँ साहब जैसे कि मैंने अभी अपने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया है कि बड़े फख्र की बात है कि आप वाले साहब की और दादाजी की लेगेसी को लेकर आगे चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा ये जिसको जो बिज़नेस मॉडल है इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल बताइएगा कि आपके क्या प्लान्स हैं आगे, कि इस ख्वाबों के तबीर के सिलसिले को आगे किस तरह से बढ़ाने हैं, आपके आने से ये जो कंपनी है किस तरफ आपको जाती और नज़र आ रही है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलात व सलाम अला रसूल अल अंबिया वल मुरसलीन वल करीम। मैं यहाँ से शुरू करूँगा जी कि मेरे जो वालिद साहब हैं इनका मिशन भी इनका नहीं है, इनके वालिद साहब का है। बिल्कुल ठीक। ये उसको लेके चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। इन्होंने अपना मिशन कितना अकम्पलिश किया है वो तो यही बता सकते हैं। इन्होंने अपने वालिद साहब का मिशन को बड़े अच्छे तरीके से अभी तक उसको सर्वाइव करवाया है और अभी तक उसको इन द लाइम लाइट उस तरह से रखा है कि लोगों को अभी तक उसी सेंस में जो कि उसका था कि चीप और हेल्दी इंटरटेनमेंट, चीप एंड हेल्दी क्वालिटेटिव इंटरटेनमेंट, कि जो आप
उनको उस क्लास को भी दिखा सकें जिस तरह बड़ी अच्छी रोशनी डाली हुई है साहब ने कि उन क्लास को भी हम टारगेट करते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस सेंस को मियाँ साहब ने बड़े अच्छे तरीके से अभी तक बरकरार रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। नो डाउट, इस सारे हालात के बावजूद और जो भी सर्कमस्टांसेस जिनमें से हम गुजरे, तो मैं तो पहले सबसे पहले तो मैं यही मेरी ख्वाहिश होगी और अल्लाह करें कि इसमें हमें इस्तकामत अल्लाह ताला करें, आमीन, कि इसको हम जो वालिद साहब का मिशन अभी तक जिस तरह से ये इसको सर्वाइव करवाया, पहला तो हमारा यही गोल है कि हम इसको सर्वाइव कर सकें ऑन ए नेक्स्ट लेवल, ऑन इसको बेहतर तरीके से हम पोर्ट्रे कर सकें जिसमें हम जिस तरह भी वर्ल्ड क्लास सर्विसेज की भी बात हो रही थी, मियाँ साहब ने बड़ा अच्छा मॉडल जो आपको ज़्यादा मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से रोशनी डाली कि जो वहाँ पे मॉडल जिस तरह से ऑपरेट होते हैं और जो सर्कस के जो वहाँ पे मॉडल्स हैं वो अगर हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकें तो इट्स मेरे ख्याल है इट विल बी अ माइलस्टोन फॉर पाकिस्तान सर्कस इंडस्ट्री स्पेशली। सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट सर। तो नहीं ये तो ठीक है, आपने खुद ही बताया इस चीज़ को कि, लेकिन मियाँ सैफ साहब के आने से असल चीज़ में हम ये सुनना चाह रहे हैं अभी इसमें क्या चेंजिंग, आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से इसको और बेहतर किया जाए? जी सर, उस तरफ अभी जिस तरह मियाँ साहब ने बात की स्टैटिक सर्किस उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अभी हम उस पर प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग और रिसर्च और प्लानिंग चल रही है, उस पर हम इंशाल्लाह ताला काम कर रहे हैं। वो हम बड़े शहरों के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं कि जो जिस तरह से आपने भी बात की कि आप खुद भी जिस तरह सर्कस गए और आपने वो जो एक्सपीरियंस किया वहाँ पे जो सीट्स, लेकिन आपने उसमें एक पॉइंट रेज किया कि आप जो सीट्स थी वो तख्तियाँ थी और मतलब कि मेरा एक्चुअल पॉइंट ये था कि जो अच्छा क्लाइंट आपके पास आए आप उसके लिए चार्जेस चाहे कुछ ज्यादा रख दीजिए लेकिन उसको क्लास को उसके मुताबिक एंटरटेन करना थोड़ा सा, तो उसी जैसे मूवी थिएटर देखने जाते थे, एक बॉक्स होता था, गैलरी होती थी, इस तरह से बिल्कुल सेम उसी तरह का आपको पैटर्न लेकर है ताकि लोग फील करें केयर जब आप करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी उसके आएंगे ज्यादा। इंशाल्लाह इस तरफ हम इसी को बाय तकमील तक पहुँचाने के लिए अब स्टैटिक सर्कस की तरफ काम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो हम लॉन्च कर सकें बड़े शहरों के लिए, लाहौर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, ये बड़े शहरों में हम इंट्रोड्यूस करवाएं वो सर्कस जो स्टैटिक हो एक महीने से डेढ़ महीने के पीरियड में वो रहे वहाँ पर और उसका प्रॉपर वर्ल्ड क्लास उसका वो जो स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सारा हो और उसमें बल्कि आप तो सिनेमा सीट्स की बात करें हम तो चाहते हैं उसमें रिक्लाइनर सीट्स हों और उसमें जनाब पूरा आपका एयर कंडीशन पूरा हॉल हो और उस पर हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर वी होप सो कि इंशाल्लाह ताला विद इन नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला हम इसको कि मैं जब नेक्स्ट टाइम सर्कस को विजिट करने जाऊँ तो ये मेरा भी ख्वाब है कि मैं ये होते देखूं। आपके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पीछे एक बहुत बड़ा नेम है दादा का और उसके बाद आपके फादर का इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारी चीज़ें वैसे आसान हो जाती है मियाँ साहब के नाम आने की वजह से, मेरा ख्याल इसलिए आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मेरा ख्याल है सर आसान तो होती ही होंगी लेकिन मेरा ख्याल ज़्यादा मुश्किल भी हो जाती है मेंटेन करना, ज़्यादा आपके एक्सपेक्टेशन आ जाते हैं और जिस तरह कि मैं अकेला बेटा हूँ मियाँ साहब का तो मेरा एक ही छोटा भाई था जिस तरह मैंने आपको बताया ही उसको शहादत नसीब हुई अल्लाह ताला ने उसको अपने पास बुला लिया 2016 में, तो उसकी भी अब जो कमी है वो मैंने ही अल्लाह ताला ने मेरे कंधों पे डाली है जी ज़रूर, तो अल्लाह करें कि उस पर मैं पूरी तरह से उसको फुलफिल कर सकूँ और बाबा की भी और तवक्कुआत पे और अपने मामा की और सारों की अपने घर वालों की फैमिली की मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तवक्कुआत पे पूरा उतर सके इंशाल्लाह ऐसे और आप सबकी तवक्कुआत पे इंशाल्लाह ऐसे होगा। हमारी बेस्ट विशेस और आपके पेरेंट्स की और डेफिनेटली जो पेरेंट्स की विशेस और दुआएं होती है वो औलाद के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो आपका ये जो ख्वाबों का सिलसिला था मैं उम्मीद करता हूँ ये जारी और सारी रहेगा
और इंशाल्लाह हम किसी नए सफ़र में जब एज ए चेयरमैन मियाँ साहब साफ होंगे तो उनको जब कवर करेंगे तो तब ये कहानी दोबारा हम रिपीट करेंगे इंशाल्लाह। चेयरमैन सर अल्लाह करेंगे हमारे हमेशा हमारे सरों पे सलामत रहे इंशाल्लाह। चेयरमैन हमेशा ही हमजा फजान साहब रहे और उनके नीचे ही हम रहे, हम अच्छे लगते हैं उनके नीचे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है मियाँ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मियाँ बड़े मियाँ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली आपकी ग्रेट हॉस्पिटलिटी का। तो इसके साथ मुझे और शाहिद मियाँ को इजाज़त दीजिए आज तक के सफ़र में। ये नाज़रीन आप देख रहे थे मियाँ अमजद फरजंद साहब और उनके बेटे मियाँ सैफ अमजद साहब मेरे साथ मौजूद थे आज के इस एपिसोड में। हमेशा की तरह हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे लोगों को आपके सामने लेकर आएँ जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया हो। उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से तबीर तक ये सफ़र पावर्ड बाई मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज और मियाँ अमजद फरजंद साहब मेरे साथ मौजूद है। मियाँ साहब आपके और भी तारुफ है फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी आपकी बहुत सारी खिदमात है, तो एक तासुर ये भी है कि शायद आप फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा सा हट गए हैं, और थोड़ा सा बताइएगा कि आपके क्रेडिट्स में बहुत सारी मूवीज़ है, बहुत सारा काम है फिल्म इंडस्ट्री के लिए आपका, प्लीज़। जी हम जी हम अराई हैं जी। हाँ। तो हमारी जो फिल्म जो प्रोडक्शन हाउस है उसका नाम भी अराई पिक्चर्स। अच्छा जी हाँ, तो अराई पिक्चर्स के बैनर तले जनाब मोर देन 35 मूवीज़ हैं, और मेरे वाले साहब जो पाइनियर थे अराई फिल्म्स के भी अराई पिक्चर्स के भी, जैसे वो लकी रानी सर्कस के थे, तो उन्होंने माशाल्लाह कोई मोर देन 35 मूवीज़ जो थी उन्होंने खुद जो थी वो प्रोड्यूस की थी, और वो लाइफ टाइम वो चेयरमैन पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन थे, और जब बल्कि उनकी वफात हुई है तो उस वक्त भी वो चेयरमैन ही थे। तो उसके बाद फिर जब मेरे वो कांधों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो बही हैं, तो मैं फिर तकरीबन ये 2000 की बात है, तो 2001 में फिर मैं चेयरमैन बना हूँ पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का। और उस वक्त बड़ा उस वक्त हालात बड़े अच्छे थे फिल्म इंडस्ट्रीज के, इतने ज़्यादा बुरे नहीं थे उस वक्त। मेरा ख्याल मोर देन कोई 900 के करीब सिनेमाज थे, जो अभी कम होते होते मेरा ख्याल 120 के लगभग रह गए पूरे पाकिस्तान में। तो वो और उस वक्त फिर हम पहली दफ़ा हम एक डेलीगेशन लेके गए 2003 में, तो मैं तकरीबन 3 साल उस वक्त चेयरमैन रहा था, तो इंडिया में हमारा फर्स्ट डेलीगेशन गया, तो उस वक्त बड़ी अप्रिसिएशन मिली हमें वर्ल्ड वाइड, लेकिन पाकिस्तान में बड़ी ज़्यादा हमें वो बुरा भला कहा गया कि जनाब क्रिटिसिज्म मिला कि जनाब ये पता नहीं इंडियन वो लॉबी में चले गए, और ये वो 32-33 बंदों का जो था वो हमारा जो डेलीगेट्स थे, तो उनमें वो रीमा बेगम थी, शान थे, शहजाद गुल साहब थे, जवेद शेख थे, जिससे सारे स्टूडियो ऑनर्स और सारे जो प्रोमिनेंट हमारे प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर्स थे, स्टूडियो ऑनर्स थे, फिर इस तरह जो परफॉर्मर्स थे, तो वो सारे वो हम वहाँ गए। तो 3 दिन का था वो, फिक्की फ्रेम्स एक लगता है हर साल उनका, तो मोर देन 85 कंट्रीज़ उसमें जो पार्टिसिपेंट जो होती हैं, तो उस वक्त वो टीसा जॉन्स थी उनकी अपना जो उसको चेयर कर रही थी वो पूरी फिक्की फ्रेम्स को, तो वो फेडरल सेक्रेटरी थी वहाँ की यूके की, तो वो उनका स्टेटस यही होता है कि सेम लाइक फेडरल मिनिस्टर। इसी तरह इंडिया में जो था वो रविशंकर प्रसाद था, वो उनका वो फेडरल मिनिस्टर था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो मिनिस्ट्री उनकी आती है उसी के अंडर उनकी फिल्म इंडस्ट्री भी उन्हीं के अंडर आती है, जिस तरह हमारी भी मिनिस्ट्री कल्चर तो अभी है ही नहीं हमारी, अभी भी बेनाम इंडस्ट्री है, और अभी इसको इंफॉर्मेशन के नीचे ही ले आए हैं। पहले हमारा कल्चर मिनिस्ट्री एक होती थी, अभी उसको खत्म कर आफ्टर 18 अमेंडमेंट कल्चर, वो कहते हैं कल्चर तो हमारा बड़ा रिच है, लेकिन मिनिस्ट्री वगैरह कोई नहीं है, ना कोई सेक्रेटरी साहब है, ना कोई डीजी साहब है, और ना कोई मिनिस्ट्री है, तो फिर कैसे कल्चर प्रमोट, तो कल्चर देख लें प्रमोट, फिर इसी तरह ही हो रहा है ना जी। हम जो है वो पंजाबी जी कहते गुआनिया का कल्चर असं लेके इतने आ रहे हैं, हर बच्चा बच्ची हमें इंडियन गाने चल रहे हैं, और सारी वो नेटफ्लिक्स और अमेज़न और प्राइम हम देख रहे हैं, उसकी वजह यही है कि यहाँ वो मौके नहीं है। तो वो उसमें जब अब इंडिया में गए तो जनाब हमें बड़ी अप्रिसिएशन मिली, और उसके बाद फिर फिल्में हमने बनाते रहे और इंडस्ट्री के हालात भी कुछ बेहतर करने की कोशिश करते रहे। तो फिर मैं बीच में वो तकरीबन 2-1 साल जो था फिर मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया, फिर वो बीच ब्रेक आई, तो लास्ट जो सेकेंड ईयर था उसमें भी फिर मैं चेयरमैन था। तो अभी हमने अपना जो अभी जो रिसेंट जो हमारा इलेक्शन हुआ उसमें हमने अपना ही जो था वो चौधरी जुल्फकार साहब हमारे दोस्त हैं, उनको फिर हमने एज ए चेयरमैन अभी बनाया, अभी वो वही हैं।
जी हाँ, तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से भी हमारी अच्छी खासी इसमें हमारी कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली मेरे वाले साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन उसमें रही है। उनके मतलब तो ये मशहूर था कि जब फिल्में हमारी यहाँ एक्चुअली वो पुराना जो कॉन्सेप्ट था आपको याद होगा कि वो 35mm पे फिल्म बनती थी और उसकी वो रीले हुआ करती थी, इतनी इतनी बड़ी डिब्बे हुआ करते थे और रक्षे में एक रक्षे थे वो दूसरे स्पॉट पे दूसरे तो एक ही एक प्रिंट के साथ तीन तीन चार चार सिनेमाज जो थे कवर किए हुए होते थे, वो फिल्म बीमारी एक रील इधर पहुँच गई एक उधर पहुँच गई। तो इस तरह वो जो जुमे को फिल्म रिलीज हुआ करती थी, अभी भी जुमे की होती है, तो जुमे रात को जनाब हमारे घर में वो लोगों की लाइनें लगी हुई होती थी कि जनाब आज मेरी फिल्म रिलीज़ होगी तो मियाँ साहब इतने पैसे कम हो गए आप डाल दें, इतने पैसे कम हो गए, वो कोई देते थे वापस कोई नहीं देते थे। मियाँ साहब बड़े माशाल्लाह वो आप समझ लें कि उनको बड़ी सिफ्त थी कि लोगों के काम दरवेश हाँ, क्योंकि वो मेरे वो दादा थे वो कहा करते थे, वो मेरे वालिद साहब जब जाते थे घर तो कहा करते थे कि बाबा जी मैं ना आज मैं ये काम करके आया हूँ तो वो आगे से पूछते थे उनसे बेटा ये तो तुमने अपने लिए किया दूसरे के लिए क्या किया। तो वो उनका वो माइंड इस तरह का वो सेटल हुआ था कि वो हमेशा वो यही बात करते थे कि यार आपने दूसरों के लिए क्या किया। तो इसी वजह से जो भी हमारे घर में आता था या ऑफिस में जाता था तो उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो मियाँ साहब उसे बड़ी खुशसुखी के साथ उनको वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया करते थे। तो इसी वजह से माशाल्लाह उनका अभी तक बड़ा 20-22 साल हो गए उनकी डेथ को, तो अभी भी लोग जब उनका नाम लेते हैं तो माशाल्लाह बड़े इज्जत एहतराम से और बहुत एक बंदा लोरी होवे सर मियां साहब उत्तो अराई होवे तो लोका दी खिदमत ना करे मियां साहब ये पॉसिबल नहीं है जी, बिल्कुल करनी चाहिए जी। मैं तो चले जी हां इस कौम ने देखा हमें कितना कुछ दिया, अब एक टाइम ऐसा आता है जैसे आप ही एग्जांपल ले लें जी हां, तो आप लोगों के लिए कुछ करें यही सबसे बड़ी बात, करना चाहिए करना चाहिए। अगर आपने अल्लाह ने आपको अगर इस काबिल बनाया है कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो आपको जरूर करनी चाहिए और इससे अल्लाह भी खुश होता है और उसकी बनाई मखलूक भी खुश होती है। मियां साहब एक क्वेश्चन और है जी जी, आगे क्या प्लान है, ये ख्वाबों का सिलसिला कहां तक चलने वाला है? प्लान हमारा यही है जी कि हमें सिर्फ सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, हमें कोई चीज़ और नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एप्लीसीशन चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज हमें जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सॉर्ट आउट की जाएं। हमारा प्लान यही है कि हम अभी स्टैटिक में आएं, जिस तरह आपने कहा है कि वो क्लास जो है जो हमारी अभी वो सर्कस में शायद अच्छा नहीं समझ वो आप कह सकते हैं, लेकिन जब वो आके देखते हैं फिर उनको पता चलता है अच्छा यार ये वो माइंड ही वो चेंज हो जाता है कि यार ये अच्छा हम तो कुछ और सुना था ये तो बिल्कुल ही डायर एक वो चेंज आपको एनवायरनमेंट और एक वो चीज़ें आपको मिलेंगी जब, तो वो लोग फिर बहुत ज़्यादा महसूस उसमें होते हैं। तो हमारा भी इसमें यही जो नेक्स्ट प्लान है या हमारा समझने गोल जो है जिसे हमने इंशाल्लाह ताला अचीव करना है, बेटा ने भी मैंने साहब ने कहा है कि जी मैं इस पर बड़ा आपके लिए सपोर्टिव होता हूँ, तो ये हम यही चाहते हैं कि हम स्टैटिक बनाएं एक जो है जितने बड़े प्रोविंशियल जो हेड हैं जैसे लाहौर है कराची है पेशावर है और इस्लामाबाद है, कम से कम चार जो हैं हमारे यूनिट बने जो स्टैटिक हों जिसमें हम जो हैं वो पूरी पूरे समझने अच्छे जो जो सर्कस बेस्ड जो कंट्रीज़ हैं जहाँ से परफॉर्मेंस अच्छे आते हैं वो परफॉर्मेंस ला के तो हम यहाँ लोगों को उस लेवल को और उस क्लास को हम इंटरटेन करें जो पाकिस्तान में जो इंटरटेनमेंट ना उनको पता है ना वो अवेयर हैं और ना उनको वो जाते हैं उन सेटअप्स में कि वो जाके वो इस तरह की इंटरटेनमेंट देख सके। तो हमारा यही गोल है और इंशाल्लाह ताला वी होप कि नेक्स्ट आफ्टर 2-3 ईयर्स इंशाल्लाह हम उसको लाहौर से हम स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह। मियां साहब ये जो आपका प्रोजेक्ट है लकी रानी सर्कस, इसको क्या एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है यानी किसी शेप में यानी कि लाइक जैसे ये एक्सपोर्ट हमने किया दुबई में देखे जाए बहुत दुनिया की दुबई में तो हमने नहीं किया है सच, लेकिन हमने सऊदीया में किया है सऊदी अरब में किया जी हाँ। सऊदीया में आप देखेंगे तो अभी थोड़े से हालात कुछ बेहतर हुए हैं, हम सऊदीया में पिछले 15 साल से हम सऊदीया में थे ओके जी हाँ, और उस वक्त आपको पता है कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा सैंक्शंस थी बहुत ज़्यादा और अजीबो गरीब किस्म की वहाँ वो लिमिट्स वो पब्लिकली भी और अभी तो वो काफी ब्रॉड के हवाले से भी बहुत कर रहे हैं जी बिल्कुल, एंटरटेनमेंट भी अभी वहाँ सिनेमाज अभी आपको पता खुल गए हैं वहाँ वो शोज हो रहे हैं वहाँ रिक्रिएशन के मौके बहुत ज्यादा वो बढ़ा रहे हैं, तो अभी हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको सऊदीया में भी हमारा एक यूनिट चल रहा है तो हम इसको देख रहे हैं और
सऊदीया में भी हम गए हैं, ईरान में भी गए हैं। हमारा प्लान है अभी, लेकिन हम स्टार्ट अभी लाहौर से लेंगे, देन वी विल मूव टू इंशाल्लाह अनदर कंट्रीज। जी मियां साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आज आप हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनी से, वो भी पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा अदारा है। हम बिलीव करते हैं पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स के ऊपर, और पाकिस्तान लार्जेस्ट स्टील कंपनी है वो, और अराइया दी कंपनी से। माशाल्लाह। तो मियां साहब, उन्होंने आपके लिए स्पेशल गिफ्ट भेजा है। थैंक यू। जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप हमारे इस सफ़र में हमारे साथ गेस्ट थे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल। अब्बा के पास इतने पैसे? अब आपने घर क्यों बेच दिया? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाए वहाँ घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।